न्यूज नाउ। नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यूज नाउ। इस समय हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जम्मू का कह सकते हैं ऐसा शख्स जुड़ा है, मैं बात करूं नीरज कुंदन की, जो बाय एजुकेशन अगर देखा जाए तो वो LLB है, उन्होंने ग्रेजुएट है अपने लॉ डिग्री में, बट इस टाइम उनके पास एक ऐसी चीज हासिल की है उन्होंने जो कोई भी नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ वो उन्होंने हासिल किया है नेशनल सेक्रेटरी NSEUI की, मीन्स की वो नेशनल सेक्रेटरी बने हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में है और उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्या मोटिव लेकर वो अपनी जो ये एक स्टेज है, जो एक लेवल है, उसको कैसे आप जम्मू के साथ जोड़ेंगे और जम्मू को जो है एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। हेलो सर, वेलकम टू दी। थैंक यू मैम। तो नीरज, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि NSEUI का एक मेजर जो मीन्स की यूनिट बनाया था कांग्रेस ने, वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, तो अब आप क्या मोटिव लेकर जो है स्टूडेंट्स के लिए क्या काम करोगे? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा द न्यूज़ नाउ का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने यहाँ पर बुलाया, और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा अगर उसका मैं जवाब दूँगा, NSEUI का हमेशा से यही मोटिव रहा है और रहेगा कि कहीं पे भी स्टूडेंट इश्यूज हो उनको हम आइडेंटिफाई करें और उस पर हम लड़ें। और वैसे ही हमने आज तक हम करते भी आए हैं। मैं पिछले 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष था NSEUI का, और उसमें हमने काफ़ी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर अब मैं बड़े बड़े इश्यूज़ आपको उसमें बताऊँ तो उसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको लाया था तो उसको हमने स्टेट वाइड उसको एजिटेशन की थी, और मुफ्ती साहब तब चीफ मिनिस्टर थे तो उनको वो वापस लेनी पड़ी थी। वो चाहे JKSSB का इशू हो मास कॉपिंग का, उस पर हमने मास एजिटेशन ऑनली NSEUI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, और हमने 5-6 से ज्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट और फिर उसको एक ललकार रैली भी निकाली थी, और उसका भी नतीजा ये हुआ था कि वो भी जो एग्जाम था वो रिकंडक्ट हुआ। उसके बाद कैरी ऑन सिस्टम के लिए हम लड़े, उसके बाद हम काफी यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी फीस के लिए और हॉस्टल के लिए लड़े, और मेन चीज ये रही कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो भी इशू पकड़ते हैं उसको मुकाम तक पहुंचाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा रहता है। जैसे कि आपने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, साथ ही NSEUI हमेशा ये आवाज उठाता है कि जम्मू के साथ एक इनडिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है हमेशा से, उसको कश्मीर के रीजन के मुकाबले थोड़ा कम जोर दिया जाता है, उसके बारे में आप क्या सोच सकते हो और उसके बारे में आप कैसे काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि NSEUI नहीं, ये किस्म का ये पॉलिटिकल जो आपकी स्टेट में गवर्नमेंट है ये उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी जवान पे ये चीज आ सकती है कि उस टाइम पे जम्मू के साथ भेदभाव किया गया था या कश्मीर के साथ भेदभाव किया गया था। और अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो BJP की गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने यहाँ पे खासकर यूथ से, और जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो स्टूडेंट ही था जो यूनिवर्सिटीज में और कैंपसेस में उनको मिलता था, ये वही गवर्नमेंट है। जब ये अपोजिशन में थे तो जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई थी इन्होंने उसका बढ़ चढ़कर विरोध किया था, लेकिन बाद में खुद ही इंप्लीमेंट किया, और अब हमने देखने को आ रहा है SRO भी उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, वो भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पे हमेशा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रियासत को ट्रीट करती है, किस तरीके से वो डिवाइड करती है, और ये इनकी मुझे लगता है कि राजनीति रहती है जानबूझकर कि जम्मू और कश्मीर ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये एक साथ रहें, क्योंकि जितना ही जम्मू और कश्मीर डिवाइडेड रहेंगे तब तक ही इनकी रीजनल जो राजनीति है और जो इनकी रीजनल पॉलिटिक्स है वो सर्वाइव कर पाएगी, और जिस दिन ये एकजुटता आ जाएगी इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इमरजेंसी हमेशा रहता है, मतभेद रहता है कि ये चीजें जो है अंदर की होती है कि डिफरेंस बनाए रखेंगे तो हमारी जो एक फ्लैगशिप है वो बनी रहेगी, ये बात तो कहीं ना कहीं आपने कही है, बट इस चीज को NSEUI जो है उसके खिलाफ कैसे लड़ेगा? बिकॉज जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं लाइक स्टूडेंट्स की बात करें वो तो सेम ही है चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू रीजन हो। देखिए, उस पर हम लड़ते भी रहते हैं, वो चाहे कभी कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेट किया हो चाहे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, हम जहां पे भी कोई इशू लगता है, जहां पे हमें जेन्युइन इशू लगता है कि यहां पे इनजस्टिस हो रहा है, तो हमने अपनी आवाज उठाई है और हम आगे भी उठाते रहेंगे। अभी थोड़े दिन कुछ पहले ना एक आया था कि स्पोर्ट्स जो कोटा है या स्पोर्ट्स जो फंड आते हैं स्पेशली उसका
10% जो है कश्मीर की तरफ चला जाता और उसका 10% हिस्सा ही सिर्फ जो है जम्मू रीजन में रहता है। ये एनएसयू जो है इसके खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में क्या राय होगी और वो कहां तक मजीद सक्सेसफुल होगा कि उसका जो कोटा है वो इक्वालिटी के बराबर। देखिए, इसमें हमारी यही डिमांड है कि जो भी कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई भी फंड्स आए, हम ना लद्दाख के खिलाफ है ना ही कश्मीर के खिलाफ है। हम लोग तो उल्टा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख को तो जम्मू कश्मीर के मैप से ही निकाल देते हैं। हम तो तीनों खितों की बात करते हैं। हम तो कहते हैं जितना भी डेवलपमेंट फंड आए वो तीनों खितों में बंटे। और अगर आप हमारा प्रोटेस्ट को ध्यान से देखें और उसमें अगर प्रेस रिलीज भी पढ़ें, उसमें जो हमारा मेन इशू वो ये था, स्पोर्ट्स काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वहीद परा जी, जो पीडीपी के यूथ के विंग के प्रेसिडेंट भी हैं गेस, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अंसारी साहब, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें। हमने इस पे प्रोटेस्ट किया था कि पिछले 6 महीने तक, जब तक यहाँ पे दरबार जो जम्मू में कश्मीर में था, सॉरी एज हमारी कैपिटल वहां पे, तो हमारा सेक्रेटरेट वहां पे था, तो वो एक बारी भी वो यहाँ पे विजिट ऑफिशियल नहीं किए। आप अपने रिकॉर्ड पे भी देख सकते हैं, हमने उसके लिए किया था। अब जो एक बारी जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो एक प्रोविंस का या एक जिले का मिनिस्टर नहीं होता, वो पूरी रियासत का मिनिस्टर होता है। तो उसके लिए हमने आवाज खड़ी की थी कि स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं वहीद परा जी, वो भी एक भी विजिट उन्होंने जम्मू में नहीं की और कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी नहीं की। तो ये तो आपने कहा कि जितना मिस्की दरबार मूव जैसा होता है, कैबिनेट भी वैसे ही मूव हो जाती है और दूसरा रीजन जो है वो सिर्फ देखने के लिए रह जाता है। ये एक बात है कि ये मिनिस्टर्स की बात है, मिनिस्टर्स का अपने तरीके से चलते हैं। तो हम जो अभी मैं आपको सवाल करूंगी कि ये जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको नेशनल सिक्योरिटी की, आपको सब कुछ अब मैनेज करना है, किस तरीके से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके से आप आगे लेके चलोगे? देखिए, इसको यही है, सबसे पहले तो मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे लगता है उसी के कारण उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। तो मेरा भी बनता है कि मैं अपने संगठन को 100% दूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से भी मैंने पहले कमिटमेंट से, जिस कमिटमेंट से मैंने काम किया, वैसे ही मैं कमिटमेंट से आगे काम करूं। जो भी स्टेट मुझे अभी आने वाले टाइम में अलॉट किए जाएगी, जहां पे भी मुझे इंचार्ज बना के भेजा जाएगा, वहां पे मेरा रहेगा कि सोशली भी और ऐसे भी जो भी स्टूडेंट्स इश्यूज रहेंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके ऊपर हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारा रहेगा। और हमारे खासकर जो इस देश में इस टाइम मुझे लगता है सबसे बड़ी, मैं उसको एक बीमारी बोलूंगा कि जो एक मतलब कि डिवाइड की, पोलराइजेशन की जो एक बीमारी चली है, हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम इस देश की जो हारमोनी है और जो इस देश की डाइवर्सिटी है, जो मतलब मुझे लगता है कि जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की, उसको कैसे स्टूडेंट ही है जो कैंपसिस में और कॉलेजेस में एक पब्लिक ओपिनियन बनाता है, वो कैसे इस डाइवर्सिटी को बना के रखेंगे, उसमें भी हमारा ये जैसे कि नीरज आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हमारा जो एक वैसे तो इंडिया ही इतना डाइवर्स है रिलीजन्स के मामले में, कहीं लैंग्वेजेस के मामले, हर चीज के मामले में, तो आपने ये कहा कि उसको स्टूडेंट ही जो है वो एक यूनिटी के तौर पर रख सकता है, तो उसके बारे में कोई अभी तक कोई प्लान फिगर आउट कर लिया है आपने या आगे क्या प्लान होंगे कुछ ऐसा? देखिए, फिगर आउट क्या है वो हम ऑलरेडी भी करते रहते हैं कि हमें बस एक स्टूडेंट्स के बीच में जाके एक जो सही नेशनलिज्म की डेफिनेशन है उनको वो डिफाइन करनी है। और सही नेशनलिस्ट वही है जो इस देश के संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। हमें बस स्टूडेंट्स के बीच में जाना है और उनको बस इसी तरीके से अवेयर करना है कि एक नेशनलिस्ट क्या है। आज जिस तरीके की हमारे देश में या हमारी रियासत में एक वेव पोलराइजेशन की चली है, डिवाइड एंड डिवाइड की चली है, कल ये देश अगर डिवाइड हो गया तो आप मुझे खुद ही बताइए ये देश कैसे तरक्की कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि वही इस देश को और इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और जो एकजुटता हमें रखनी पड़ेगी वही एक सबसे बड़ा नेशनलिस्ट होगा, वही हमें बच्चों के बीच में हमें बताना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको सिर्फ बच्चों से स्टार्ट करना है, बिकॉज मेरे को लगता है कि बच्चे जो है ना उनको जिस तरीके से मोल्ड अप करो वैसे ही हो जाते हैं और वो मोल्ड अप जो एज है वो काफी छोटी होती है। और पर जो एनएसयू है या वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है, तो आपको क्या लगता है कि जो छोटे स्कूल्स लेवल है या और जो लेवल्स है छोटे उनमें किस तरीके से एनएसयू जुड़ सकता है या क्या कर सकता है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली
एनएसयूए की जो बॉडी होती है वो कॉलेजेस में और कैंपसेस यूनिवर्सिटीज में होती है, ना कि स्कूल में होती है। उसका एक वजह भी है कि स्कूल में एक बच्चा जो होता है वो मुझे लगता है 12th तक जब बच्चा एक पढ़ रहा है तो उसे टाइम देना चाहिए, बिल्कुल हमें उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स में भी घुसती है, लेकिन हमारे जो ऊपर से आदेश और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम नहीं, लेकिन फिर भी हम थ्रू सेमिनार्स कुछ इस तरीके से कि हम उनकी स्टडीज को डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि जब एक बार कॉलेज में एक बच्चा पढ़ जाता है या कैंपस में चल जाता है तो वो एक अडल्ट हो जाता है, 18 साल से ऊपर आके वो यहाँ पे आता है, तो वो एक सही और गलत की पहचान करता है, तो उसे पता है कि मैनेज करना है कि अभी मेरे को इतने टाइम पे स्टडीज करनी है, ठीक है अब मैं एनएसयूए के साथ जुड़ रहा हूँ तो इतने टाइम पे मुझे स्टूडेंट एक्टिविटीज करना है, तो ये रहता है। तो चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों की जो स्टडीज है वो डिस्ट्रैक्ट ना, बिल्कुल जो बिल्कुल प्रॉपर वे ऑफ स्टडीज वो मिलती रहे। तो एक लास्ट सवाल यही करूंगी आपसे, जैसे कि इसके काफी सारे जो मोटिव जब बनाई गई थी एनएसयूआई वो रखे गए थे कि जेंडर इक्वलिटी, स्टूडेंट्स का वेलफेयर होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर हर तरीके से जो है इक्वलिटी की बात होती थी। बट अब कहीं लेवल्स पे अब देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे लाइक जैसे कि कास्ट की वजह से शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है जो लोअर कास्ट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाते हैं बेचारे जनरल वाले या बाकी कैटेगरीज रह जाते हैं, उसके बारे में एनएसयूए क्या सोचते हैं? देखिए एनएसयूए उसके बारे में यही कहूंगा मैं एज एन एनएसयूए नेशनल सेक्रेटरी भी, कि जो मैंने आपको पहले बात की, जो भी संविधान में है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। संविधान के तौर पे जो भी चीजें अभी जेंडर, जैसे आपने इक्वालिटी की ही बात की, तो एनएसयूए का हमेशा से ये रहा है कि इक्वालिटी रहे। और जैसे कि मेरी भी आप बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे संगठन में इलेक्टेड सिस्टम है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज मैं स्टेट प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए बन पाया और आज नेशनल सेक्रेटरी इसलिए बन पाया क्योंकि मैं एनएसयू में, क्योंकि हमारी इनर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमारे में इलेक्टेड प्रोसेस है, हमारे में मेंबरशिप होती है, उसके बाद वही मेंबर वोट डाल के स्टेट प्रेसिडेंट या वो आते हैं। तो वो जो इक्वालिटी की आपने बात की उसकी एक मैं जीती जाती आपके सामने एग्जांपल सामने ही बैठा हूँ। तो थैंक यू नीरज हमारे साथ बात करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से एनएसयूआई जो है अब जम्मू में कुछ नए चेंजेस के साथ काम करेगा। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि किस तरीके से नीरज ने बताया कि अब यूथ के हाथ में जो है एनएसयूआई की भागदौड़ आ रही है और हम देखना चाहेंगे, और मैं यही सोचती हूँ कि अब जम्मू जो है एक नई डेवलपमेंट की तरफ आएगा, स्टूडेंट्स के वेलफेयर की जहाँ बात होती रहती थी सिर्फ, अब उस पर जो है एक अमल भी होगा। तो देखते रहे न्यूज नाउ की तरफ से रोली के लिए। The news now, now, telling the untold stories.